नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सावन मास इस महीने के बाद हिंदू समाज के बड़े त्योहार शुरू हो जाते हैं। राखी, काजल, तीज, गोपाल अष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि जैसे कई त्योहार सावन मास के बाद शुरू होते हैं। भगवान कृष्ण के कपड़े, भगवान गणेश के कपड़े, राखी के अवसर पर विभिन्न प्रकार की राखियां और सामग्री, साथ ही महिलाओं को श्रृंगार सामग्री और विभिन्न सजावटी सामग्री भी आवश्यक होती है और महिलाएं आवश्यक की सामग्री, सजावट, श्रृंगार और अन्य सामग्री लेने के लिए विभिन्न दुकानों पर कई दिन और घंटे बिताती है। लेकिन मान लीजिए कि यदि ऐसा सभी सामग्री एक स्थान पर उपलब्ध हो तो हाँ, ये सच है, क्योंकि गोंदिया में 3 दिवसीय सावन मेले का आयोजन किया गया है। कई महिलाएं अपने घर की जिम्मेदारी संभालते हुए अपनी उपलब्धियों को साबित करने के लिए, अपनी कलात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियां तैयार करती है और इन सामग्रियों के माध्यम से वे अपनी कला को समाज में लोगों तक पहुंचाती है और उन्हें आर्थिक मदद भी मिलती है। इसी तरह की एक श्रृंखला गोंदिया में अग्रवाल महिला समाज समिति द्वारा पिछले 28 वर्षों से संचालित की जा रही है, जो सावन के महीने में लगने वाले सावन मेले का आयोजन करता है। यह मेला एक बड़ा आयोजन बन गया है और बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस सावन मेले में सभी आवश्यक धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, राखी, काजल, तीज, कृष्ण जन्माष्टमी के लिए आती है। गणेश चतुर्थी और नव दुर्गा उत्सव अब एक ही स्थान पर उपलब्ध है। महिलाओं के सावन मेले में महिलाओं ने बड़ी संख्या में तरह तरह के स्टॉल लगाए हैं ताकि साज सज्जा की सामग्री के लिए पिपेट बंद कर परिवार को आर्थिक सहायता दी जा सके। और चूंकि सारी सामग्रियां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, इसलिए महिलाओं ने एक ही भीड़ बना ली है और यह तय है कि सभी महिलाओं की भीड़ अब कम हो जाएगी। ये मेला हमारा 28 वर्षों से शुरू है। इसमें हम सिर्फ महिलाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करने के लिए स्टॉल्स लगाते हैं। पहले इस मेले में सब घर के हाथ के बने हुए सामान रखते थे। आज धीरे धीरे बढ़ोतरी हो गई है तो महिलाओं ने घर में छोटी छोटी दुकानें लगा ली है और उन दुकानों को यहाँ लेके वो आती है। कई लोग जिनके घर तक नहीं पहुँच पाते वो यहाँ आके लगाते हैं तो उनकी पहचान बढ़ती है और उनकी बिक्री बहुत होती है। जो 6 महीने में बिक्री नहीं होती उनकी 3 दिन में यहाँ बिक्री हो जाती है। ये मेला 27 साल पहले बहुत छोटे रूप में स्टार्ट किया गया था, लेकिन अग्रवाल समिति की मेहनत से आज ये बहुत बड़ा रूप ले चुका है और ये पूरे महिलाओं के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर हमको आने वाले सारे त्यौहार से रिलेटेड जो भी हमको सामग्री चाहिए होती है या जो भी हमको प्रिपरेशन के लिए लगता है, सब कुछ हमको एक प्लेटफॉर्म पे मिलता है। ये प्लेटफॉर्म पे हम तीज त्यौहार अपने साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं अपनी पूरी बहनों के साथ में। हम भी पुरुषों से पीछे नहीं है, हम भी पुरुषों की तरह बिजनेस कर सकते हैं और महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक अच्छा मंच बना गया है। यह पिछले 28 वर्षों से सावन मेला भारत है और अब हम इस मेले को बड़े पैमाने पर देख सकते हैं। इस सावन मेले के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। जी, ये हम लोगों का बहुत बड़ा त्यौहार होता है सावन का महीना में तीज का, जिसमें एकम दूज तीज हमारे यहाँ प्रतिवर्ष पिछले 27 वर्षों से ये स्टॉल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और मैं पिछले 10 वर्षों से इसमें स्टॉल लगा रही हूँ। इसमें महिलाओं को जो घर से काम करती हैं उनको सभी को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी और घर से अर्निंग के लिए भी। ये जो हमारा जो एग्जीबिशन है ये हर सावन सीजन में लगता है। यहाँ पे सभी औरतें जो घर में काम करती है वो यहाँ पे बड़े पैमाने में अपना स्टॉल लगाती है और यहाँ पे काफी सालों से ये हो रहा है तो काफी अच्छा हमको इसमें रिस्पॉन्स भी मिलता है। मेरे पास में सभी तरह के मतलब पोशाकें आपको मिल जाएगी। बीसीएन न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। भ्रष्ट वन अधिकारी पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर गढ़चिरौली जिला मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन लगातार 10वें दिन भी जारी रहा है। आंदोलनकारियों ने आलापल्ली के भ्रष्ट वन अधिकारी योगेश जेरिकर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के कारण वन विभाग के विरोध में भीख मांगो आंदोलन आज प्रदर्शनकारियों द्वारा किया गया है। पुणे शहर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तथा सरकारी कर्मचारियों के पतियों को भी आलापल्ली वन विभाग में बोकस वन मजूरी में कार्यरत दिखाकर करोड़ों की हेराफेरी करने वाले भ्रष्ट अधिकारी योगेश शेरिकर पर कड़ी कार्रवाई करने की इस मांग को लेकर 9 अगस्त 2023 से आंदोलन शुरू हुआ था। लगातार 10वें दिन भी चल रहे धरना प्रदर्शन को आज सांसद अशोक नीति ने भेंट देकर प्रदर्शनकारियों की समस्याओं को जाना और इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस भ्रष्ट वन अधिकारी ने ग्रामीण इलाकों में बनने वाले रास्ते के काम में भी प्रति किलोमीटर 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने की भी जानकारी प्रदर्शन मंडप में मौजूद रहे एक ठेकेदार ने पत्रकार वार्ता में कैमरे के सामने बताई है।
इस भ्रष्ट अधिकारी की शिकायत करने के बाद पिछले 8 महीने से कोई कार्यवाही नहीं होने पर वन विभाग के बड़े अधिकारियों की कार्यप्रणाली शंका निर्माण की जा रही है। इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक रमेश कुमार, शंकर ढोलके, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष प्रणय खुने, अखिल भारतीय सरपंच परिषद के जिला अध्यक्ष योगाजी कुड़वे तथा अन्य प्रदर्शनकारी मौजूद थे। अति दुर्गम आकांक्षित जिल्हा देशातील अति मागास 12 जिल्ह्यांमध्ये या जिल्ह्याची आकांक्षित जिल्हा म्हणून नोंद आहे। या जिल्ह्यामध्ये विकास न होण्याचा कारण माणसाच्या ज्या मूलभूत गरजा आहेत अन्न वस्त्र आणि निवारा ह्या 3 गरजा सोडल्यानंतर गडचिरोली जिल्ह्याची 4थी गरज ही रस्ता आहे। आज दळणवळणाचं साधन नाही। गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये शिक्षणानं आपण कमजोर आहोत, आरोग्यानं कमजोर आहोत। का बरं? कारण त्या ठिकाणी रस्ता नाही। रस्ता नसल्यामुळे ना त्या ठिकाणी शिक्षण पोहोचलं आणि आरोग्य, त्यामुळे गडचिरोली जिल्हा मागे आहे। आणि या 75 वर्षामध्ये अनेक गावं विकासापासून कोसों दूर आहेत। 75 वर्षामध्ये या जिल्ह्याचा विकास नाही झाला, कारण या अगोदर रस्ते बनवायला गेले तर अनेक कंत्राटदार माझ्या बंधूंचा जीव गेलेला आहे, अनेक उदाहरण आहेत। आज त्यांचे घरदार पूर्ण विस्कळीत पडलेलं आहे। अशा वेळेस जर रस्ता होत आहे त्या ठिकाणी कनेक्टिव्हिटी जडत आहे, माणसाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये जोडत आहोत, आणि त्या रस्ता बांधकामाला वन परवानगीच्या नावाखाली लाखो रुपयाची मागणी करणारे अधिकारी आहेत। बरं, वन परवानगी म्हणजे काय असतो? वन परवानगी म्हणजे मी सुद्धा 20 वर्ष प्रशासनामध्ये काम केलं आहे। 20 वर्ष प्रशासनामध्ये काम करत असताना घर बांधत असताना घराची परवानगी लागतो। बीसीएन न्यूज के लिए गढ़चिरौली से कैलाश शर्मा की रिपोर्ट। पिछले 5 साल से चुनाव कार्य में आमगांव तहसील कार्यालय को स्टेशनरी और जेरॉक्स की आपूर्ति करने वाले दुकानदार धीरज ठाकरे 15 अगस्त स्वतंत्र दिन से ही तहसील कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तहसील कार्यालय के कर्मचारी ने दूसरे लोगों के बिल निकाले हैं। अब 5 साल गए लेकिन अब तक रुपयों का भुगतान नहीं किया गया। तहसील प्रशासन के इस रवैये को लेकर तहसीलदार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शासन से ही राशि नहीं मिली, जिससे फिलहाल बिल नहीं निकाला गया है। वहीं अब यह बात सामने आ रही है कि अन्य लोगों के बिल पास कैसे हुए हैं। हमेशा चर्चा में रहता है कि तहसील पिछले साल आमगांव तहसील कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ महिला लिपिक को 6,000 रूपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ पकड़ा था। फिर भी हम नहीं सुधरेंगे की तर्ज पर आमगांव तहसील कार्यालय के सभी विभागों में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होते। जानकारों का कहना है कि अगर कर्मचारी को रिश्वत दिए होते तो अन्य लोगों की तरह ही धीरज ठाकरे के जेरॉक्स एवं स्टेशनरी का बिल निकल जाता। मैं 2017 पासून आमगांव तहसील ऑफिस इलेक्शन से काम करीत होतो आणि माझे बिल त्या मिळालेलं नाहीये, त्यामुळे मी उपोषणावर बसलेला आहे आणि काही लोकांचे बिल यांनी काढलेलं आहे तहसील ऑफिस आमगांव यांनी, आणि मी बँकेच्या कर्जामुळे त्रासून गेलेला आहे, त्यामुळे मी उपोषणावर बसलेला आहे आणि माझी मागणी जो पण पूर्ण होत नाही तो पण मी बसणार आहे। बीसीएन न्यूज के लिए आमगांव से नरेंद्र निखारे की रिपोर्ट। हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।